पहली बार बनाने वाली रेसिपी सुरमई या फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पे सुरमई के पीसेस लिए हैं, कुछ 12 से 15 पीसेस हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रख दिए हैं। साथ में हम एक पेस्ट बनाएंगे जो हम अपने फिश में यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कप नारियल, जिसको इस तरीके से फाइन टुकड़ों में काटा है, लिया है। एक छोटा प्याज जिसको रफली चॉप किया है, आधा नींबू का रस, अदरक की जूलियंस, 10 से 15 लहसुन की फली, एक चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च, एक चम्मच भर के हल्दी, और यहाँ हमने लिया है नमक स्वाद अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्च एक चम्मच, और धनिया पाउडर एक चम्मच। करी लीव्स यहाँ हम यूज़ करेंगे पाउडर में बनाने के लिए भी, और जब हम फिश का ग्रेवी तैयार करेंगे हम उसमें भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ में थोड़ा धनिया के पत्ते, और फिश बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल। तो चलिए पहले हम अपना मिक्सचर रेडी कर देते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल में हम नारियल, प्याज, मतलब हमें अपने सारे जितने ये सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं हमें इसमें ऐड कर देने हैं। करी लीव्स, धनिया के पत्ते, जीरा, अदरक, एक हरी मिर्च, नींबू का रस, मसाले, और हल्दी। हमारा पेस्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार है, इसको हम अपने बोल में ट्रांसफर कर देंगे, और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम अपनी फिश को फ्राई करने के लिए रखेंगे, हाई फ्लेम पे रखेंगे, और 5 मिनट के लिए हम एक साइड पे फ्राई करेंगे, और फिर उलट उलट करके 5 मिनट के लिए हम फिर फ्राई करेंगे। यहाँ साथ में मैं फिश के साथ वाइट राइस सर्व करूँगी, तो वो भी मैंने चढ़ा के रख दिया है। फिश हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे, और अब इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो पैन में हम मस्टर्ड ऑयल डाल के गर्म होने तक इसको रखेंगे। हमारा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें करी लीव्स ऐड कर देंगे। अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, अब पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। इसको हमें पकाना है तब तक जब तक हमारा पूरा मसाला अच्छे से पक जाए। हमारा अभी पक रहा है, तो अभी इसको 1-2 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे, बीच में चलाते रहेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करके इसको ढक कर पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारा मसाला और ग्रेवी अच्छे से
पककर रेडी हो जाए। सो ग्रेवी हमारी तैयार है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके हम अपनी फिश को इसमें ऐड कर देंगे। हमको फिश को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुकी है, बस इतना कि मसाले के साथ में ये अच्छे से मर्ज हो जाए। तो बस लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम फिश को ग्रेवी के साथ में मर्ज करके रखेंगे और 7 मिनट के बाद हम अपना गैस ऑफ कर देंगे। तो हमारी सुरमई फिश बिल्कुल तैयार है। ये मेरा वर्जन है सुरमई फिश का। अगर आपको ये अच्छा लगे इसको प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने वैल्यूबल कमेंट शेयर करें। मैं इसके साथ में सैलेड और प्लेन वाइट राइस सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो पराठा भी दे सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye-bye.